फल है। तो लेकिन किसी का संग तो करें कम से कम, भाई असंगता के लिए भी किसी का संग करना पड़ेगा। तो वो ईश्वर का संग कर लें, गुरु का संग कर लें, और यह दोनों का संग आपको असंग बना देगा। इसी तरह से चित्त की चंचलता का दूसरा निमित्त हमारा राग और द्वेष है। तो जगत विषयक राग को हटाकर ईश्वर से जोड़ दिया जाए तो हमारी चंचलता का भी क्या हो गया, नाश हो गया। अब प्रश्न ये है, ईश्वर के प्रति हमारी ममता का अभाव क्यों है? या ऐसा प्रश्न मन में आता है, ममता होती किससे है? क्या कहेंगे? देखो आपको एक उदाहरण दूं, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने पे। आप हमको अपने घर ले जाते हैं तो ये घर किसका है? बोले मेरा घर है। लेकिन जैसे ही आप अपने कक्ष की ओर लेके जाते हैं तो ये क्या बोलते हैं? ये मेरा कक्ष है। ये क्यों कहा आपने? कभी सोचिए ये क्यों कहा? दिस इज माय ड्राइंग रूम, दिस इज माय बेडरूम। अरे पूरा घर ही आपका है। कभी सोचा ये चीज को? व्यक्ति उसी को मम कहता है जहां उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। पड़ोसी के घर को अपना घर नहीं कहता क्योंकि वो वहां आने और जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है। भाई आप जिस आदमी को बोलते हैं मेरे हैं तो आपको पता है कि मैं इनसे जब चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मिल सकता हूं, बात रख सकता हूं, बोल सकता हूं। तो व्यक्ति कहे मेरा आदमी है। पड़ोसी के घर को आप नहीं कह सकते ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है। ये बात तो पक्की है कि ममता वही है जहां स्वातंत्र है। यदि स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता तो वहां आप ममता शब्द प्रयोग, मम शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। सोच के देखो जरा आप इस विषय पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।